Hello students, welcome again. I'm here with third part of chapter punctuation and capital letter. In our previous video, we had discussed about punctuation and important marks of punctuation, but today we are going to discuss about capital letters. So let's study कैपिटल लेटर, जिसे हम कैपिटलाइजेशन भी कहते हैं. कैपिटल लेटर क्या होता है, कैपिटलाइजेशन क्या होता है? कैपिटलाइजेशन इज राइटिंग अ वर्ड विद इट्स फर्स्ट लेटर एज अ कैपिटल लेटर अपर केस एंड द रिमेनिंग लेटर इन लोअर केस स्मॉल लेटर. कैपिटलाइजेशन होता है जिसमें कि हम एक वर्ड लिखते हैं, एक वर्ड लिखने का जो पहला लेटर होता है वो कैपिटल होता है, जिसे हम अपर केस कहते हैं, एंड रिमेनिंग जो लेटर होते हैं उसके बाद के जो लेटर होते हैं वो स्मॉल लेटर होते हैं, जिसे हम लोअर केस कहते हैं. एग्जाम्पल इज ही इज़ गोइंग टू द मार्केट. अब इस सेंटेंस में मैंने फर्स्ट लेटर जो है कैपिटल लिखा है एंड रिमेनिंग लेटर्स आर इन स्मॉल. ओके, नेक्स्ट इज वेयर डू वी यूज़ कैपिटल लेटर. हम कैपिटल लेटर कहाँ कहाँ यूज़ करते हैं? We use capital letter in the beginning of a sentence, the first letter. जब भी हमें कोई सेंटेंस लिखना है उसका सबसे पहला जो लेटर है वो कैपिटल होना चाहिए. We also use capital letter for first letter of proper noun. अब आपने proper noun तो पढ़ा ही होगा क्या होते हैं proper noun, जिसमें particular person, place और thing का नाम दिया जाए, specific name हो. ठीक है, example is after school Mary goes home and starts his homework. Mary lives in Delhi. After में एक capital है, क्यों? क्योंकि ये first letter है sentence का. उसके बाद Mary किसी का नाम है वो भी capital में आएगा. Delhi जगह का नाम है, proper noun है, तो ये भी capital में आएगा. Very easy to understand the capital letters. Okay, with the name of place. Next is with the name of place. Means कि अगर आपको किसी जगह का नाम दिया जाता है, जैसे मैंने पहले भी बताया था कि जगह के साथ, नाम के साथ या थिंग के साथ यूज़ किया जाता है कैपिटल लेटर. जगह का नाम है जैसे कैनेडा, मिडल अर्थ, मुंबई, डेली एक्सेट्रा, उनके साथ भी फर्स्ट लेटर उनका कैपिटल आता है. वी यूज़ कैपिटल लेटर विद द नेम ऑफ डेज, मंथ्स, हॉलीडे. दिनों के नाम हो, महीनों के नाम हो, या कोई हॉलीडेज़, जैसे कोई भी हॉलीडेज़ हो उसके साथ भी कैपिटल लेटर लगता है. डेज़ मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे. मंथ जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, इस तरह से. हॉलीडेज़ जैसे क्रिसमस हो गया, दिवाली हो गया, होली हो गया, विमेंस डे हो गया, बहुत से जैसे हॉलीडेज़ होते हैं उनके साथ भी फर्स्ट लेटर उनका कैपिटल ही होता है. नेक्स्ट इज़ वी यूज़ कैपिटल लेटर विद द नेम ऑफ इंस्टीट्यूशन. इंस्टीट्यूशन क्या होता है, जैसे स्कूल, कॉलेजेस हो गए, वैसे उनके साथ भी कैपिटल लेटर का यूज़ किया जाता है. जैसे आप अपना स्कूल का नाम लिखते हो उसके साथ भी कैपिटल लेटर यूज़ किया जाता है. सबसे पहले त्रिकुटा पब्लिक स्कूल, यहाँ पे त्रिकुटा का टी, पब्लिक का पी और स्कूल का एस कैपिटल में ही रहेगा. हंसराज कॉलेज, ऑक्सफर्ड यूनिवर्सिटी, तो उसमें भी कैपिटल लेटर आएंगे. फर्स्ट लेटर इज ऑलवेज इन कैपिटल. ओके, नेक्स्ट इज वी यूज़ ऑफिशियल नेम ऑफ गवर्नमेंट डिपार्टमेंट और पीपल्स टाइटल. अगर गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में किसी का नाम अगर हमें लेना हो उसके साथ भी पहला लेटर उसका कैपिटल ही आता है, या लोगों के नाम के साथ, टाइटल के साथ, पीपल्स के जो नेम होते हैं, लोगों के नाम होते हैं, उनके पहले वर्ड भी जो कैपिटल में आएगा. जैसे कि ऑफिशियल नेम ऑफ गवर्नमेंट डिपार्टमेंट के कैसे होते हैं, जैसे कि प्राइम मिनिस्टर, हम प्राइम मिनिस्टर जो है नरेंद्र मोदी, वो तो पता है उनके साथ कैपिटल लेटर ही लगेगा, लेकिन यहाँ पे ऑफिशियल नेम उनका क्या है, प्राइम मिनिस्टर. चीफ मिनिस्टर्स हो गए, उनके साथ चीफ मिनिस्टर लिखना होगा, प्राइम मिनिस्टर लिखना हो तो आपको फर्स्ट लेटर कैपिटल ही रखना है. अब नाम के साथ डॉक्टर स्मिथ, मिस्टर स्मिथ, डॉक्टर जोन्स, इस तरह से उनके साथ आपने कैपिटल लेटर ही यूज़ करना है. नेक्स्ट इज़ वी ऑल्सो यूज़ कैपिटल लेटर विद लैंग्वेज एंड रिलीजन. लैंग्वेज, भाषा और धर्म के साथ भी कैपिटल लेटर का यूज़ किया जाता है. फॉर एग्जाम्पल दे कैन स्पीक जर्मन, इंग्लिश, हिंदी. वो जर्मन बोल सकती है, बोल सकते हैं, इंग्लिश, हिंदी बोल सकते हैं, इनके साथ भी आप, मीन्स की जो लैंग्वेजेस है ना, इनके साथ भी आपको कैपिटल लेटर ही फर्स्ट यूज़ करना है. ही इज़ अ कैथोलिक. ही जो सेंटेंस का फर्स्ट लेटर है वो कैपिटल है. अगर कैथोलिक धर्म है उसका भी सी बड़ा आएगा. शी इज़ मुस्लिम, शी इज़ एन इंडियन, तो मीन्स कि अगर आप धर्म की बात कर रहे हो उसमें भी कैपिटल लेटर ही आएगा.
Understand that? Hope it clear. Next is, next point is, for the name of historic buildings and monuments, trains, flights, airports, stations, etc. अगर historic buildings होंगे, monuments होंगे, पुरानी पुरानी इमारतों के नाम होंगे, trains के नाम होंगे, flights जैसे Air India हो गई, इस तरह से airports के नाम, stations के नाम होते हैं, उनके साथ भी capital letter ही होते हैं. क्यों? क्योंकि ये particular होते हैं, एक अकेला ही होता है, एक ही नाम से कोई more than 4-5 नहीं होते, only one ही होता है, इसलिए इनके साथ capital letter का use किया जाता है. The Golden Temple, okay? द ताज महल, राजधानी एक्सप्रेस, हुंडई, पालम एयरपोर्ट, न्यू दिल्ली स्टेशन एक्सेट्रा, इस तरह से. नेक्स्ट इज, नेक्स्ट रूल इज़ फॉर द नेम ऑफ स्पेशल इवेंट, स्पेशल एंड डेज. ठीक है, कोई भी स्पेशल इवेंट हो, ठीक है, ईव हो उस पर, या स्पेशल डे हो उस पर भी, जैसे इंडिपेंडेंस डे, रिपब्लिक डे, ये स्पेशल डेज हैं. ठीक है, इनके साथ भी फर्स्ट लेटर इनका कैपिटल ही रहेगा. द सेकेंड वर्ल्ड वॉर है, सेकेंड वर्ल्ड वॉर, द सत्याग्रह मूवमेंट हुआ था, एक ही हुआ था सत्य. अब इस तरह के कोई 4 or 5 सत्याग्रह मूवमेंट नहीं हुए थे, एक ही सत्याग्रह मूवमेंट हुआ था, तो इसीलिए पर्टिकुलर है, तो इसीलिए उसके साथ कैपिटल लेटर का ही यूज़ किया जाएगा. नेक्स्ट एंड लास्ट वन इज़ फॉर द नेम्स ऑफ बुक्स, न्यूज़पेपर, जर्नल, नॉवल्स, इस तरह से होंगे, तो उसके साथ भी कैपिटल लेटर का यूज़ है. कोई भी बुक्स का नाम होगा, कोई भी नॉवल का नाम होगा, न्यूज़पेपर का नाम होगा, तो उसके साथ कैपिटल लेटर का ही यूज़ किया जाएगा. द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स, जैसे ये नॉवल का नाम है. द टाइम्स ऑफ इंडिया, द डेली मेल्स, जैसे न्यूज़पेपर्स का नाम है, तो इनके साथ भी कैपिटल लेटर का यूज़ किया जाता है. और कैपिटल लेटर बहुत ही ईजी हैं अंडरस्टैंड करने के लिए, क्योंकि सिंपल है कि आपको पता होना चाहिए पर्टिकुलर जो चीज़ें होती हैं, प्रॉपर नाउन्स होते हैं, उनके साथ कैपिटल लेटर का यूज़ किया जाता है. सो टुडे आवर टॉपिक ऑफ पंक्चुएशन एंड कैपिटल लेटर एंड्स. द बेसिक ऑफ ऑल द रूल्स ऑफ पंक्चुएशन एंड कैपिटल लेटर वी हैव ऑलरेडी स्टडीड. ओके, सो कीप रिवाइजिंग. थैंक यू.